फ्रेंड्स, कल शिवरात्रि है और भारत में ज्यादातर लोग शिवरात्रि के दिन उपवास रखते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ साउथ इंडियन प्लेटर, जिसको आप किसी भी व्रत या उपवास में खा सकते हैं और इसमें कोई भी चीज को भिगोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो चलिए म्यूजिक के बाद स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले हम बनाएंगे फरारी सांभर। सांभर के लिए यहाँ पर मैंने एक बोल लौकी ली है और हाफ बोल आलू लिए हैं। उसके छिलके निकालकर उसको रफली बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया था और वॉश कर लिया था। इसको हम कुकर में लेंगे। यहाँ पर लौकी का प्रोपोर्शन ज्यादा लेना है और आलू का कम, नहीं तो आपका सांभर ज्यादा थिक हो जाएगा। एक टमाटर को चॉप कर लिया था, 1 टीस्पून नमक, यहाँ पर आप सिंधू नमक भी ले सकते हैं, और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून तेल ऐड करेंगे। अगर आप व्रत में टमाटर नहीं खाते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 1.5 बोल सब्जियाँ ली थी तो उसके सामने 1 बोल पानी डालेंगे, क्योंकि लौकी भी अपना पानी छोड़ेगा, तो ज्यादा पानी नहीं डालना है। अब कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसकी हाई फ्लेम पर 2 सीटी और मीडियम फ्लेम पर 3 सीटी लगा लेंगे। इतनी क्वांटिटी में से 8 से 9 लोगों के लिए सांभर तैयार होगा। मेदू वड़ा के लिए यहाँ पर 1 कप सामा चावल लिए हैं। इसको हम मिक्सी में डालेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे, यहाँ पर हमने 1 कप सामा चावल लिया है, उसके सामने 2 कप पानी लेना है। मेजरमेंट यही रखना है, जितना आप चावल लेते हो उससे डबल पानी लेना है। 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून नमक, 5 से 6 कड़ी पत्ता को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था। फ्रेंड्स, इसका फ्लेवर ना एकदम मस्त आएगा। आप सिर्फ नमक डालकर भी मेदू वड़ा बना सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ा चटपटा पसंद है तो मैं ऐड करूंगी थोड़े मसाले, 2 चॉप्ड हरी मिर्च और मेरा फेवरेट फ्रेश धनिया। और इसके साथ जाएगा मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट और वो है 2 टेबलस्पून दही। दही यहाँ पर खट्टा लेना है। अगर आपके पास दही नहीं है तो 1/2 कप छाछ भी डाल सकते हैं, लेकिन जो भी लो खट्टा लेना है, क्योंकि अभी हम इंस्टेंट बना रहे हैं तो जितना भी खट्टापन होगा वो सिर्फ दही या छाछ से मिलेगा। विस्कर के हेल्प से मिक्स कर देंगे। अभी आपको दही कर्डल दिख रहा होगा, लेकिन उसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वन टेबलस्पून तेल ऐड करेंगे ताकि खाते वक्त मेदू वड़ा मुंह में ड्राई ना लगे। हाई फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से उबाल लेंगे। एक या 2 मिनट में इसमें अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। अब क्रश किए हुए सामा चावल ऐड करेंगे और फटाफट इसको मिक्स कर देंगे और गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे। फ्रेंड्स, उपवास में आप जो भी चीजें नहीं खाते हैं तो उसको स्किप कर सकते हैं और सिर्फ नमक और तेल डालकर भी बना सकते हैं। इसको कंटिन्यूअसली मिक्स करना है ताकि उसमें गुठलियां ना हो और नीचे चिपक ना जाए। देखिए, सिर्फ 1 मिनट हुआ है और ये अच्छे से कंबाइंड हो चुका है। अभी इसको 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। देखिए, 2 मिनट हुआ है और ये अच्छे से एक आटे जैसा बन गया है। अब इसको एक परात में निकाल लेंगे और हल्का सा ठंडा कर लेंगे। जब तक हमारा मिक्सर ठंडा हो रहा है, हम फराली चटनी बना लेंगे। उसके लिए एक मिक्सर जार लिया है, इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप फ्रेश नारियल। अगर आपके पास फ्रेश नारियल नहीं है तो ड्राई कोकोनट भी ले सकते हैं। 1 तीखी हरी मिर्च, 7 से 8 कड़ी पत्ते और हैंडफुल ऑफ धनिया डंठल के साथ, थोड़ा सा जीरा, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे।
1 टीस्पून चीनी ऐड करेंगे। अगर आपके पास भुनी हुई मूंगफली है तो इसमें आप डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी नहीं है तो मैं स्किप कर रहे हूँ। और इसके साथ साथ 3 से 4 चम्मच पानी ऐड करेंगे। अगर आपके पास दही नहीं है तो सिर्फ पानी से भी ये चटनी बना सकते हैं, लेकिन दही डालने से आपकी चटनी एकदम क्रीमी लगेगी। अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर 200 ग्राम दही को मैंने विस्क कर लिया था। इसमें हम डालेंगे हमारा तैयार किया हुआ कोकोनट पेस्ट। एक बार टेस्ट कर लेंगे, अगर आपको नमक या चीनी कम लगे तो डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये चटनी किसी भी फराली वड़ा के साथ, कटलेट के साथ या फिर थेपला के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन उसको सुपर टेस्टी बनाने के लिए इसके ऊपर डालेंगे एक तड़का। 1 टेबलस्पून तेल में मैंने थोड़ी सी राय, जीरा, कड़ी पत्ते और फ्रेश धनिया डाला है। हमने चटनी में हरी मिर्च डाली थी, इसलिए लाल मिर्च मैं स्किप कर रही हूँ। थोड़े से तिल स्प्रिंकल करेंगे। तो तैयार है हमारी एकदम माउथ वाटरिंग फ्रेश कोकोनट फराली चटनी। अब ये जाएगी फ्रिज में। देखिए, ये इतना ठंडा हो चुका है कि इसको हाथों से टच कर पाए। इसमें ऐड करेंगे बाइंडिंग के लिए एक उबला हुआ आलू। आलू को हम ग्रेटर से ग्रेट करके लेंगे ताकि इसमें गुठलियां ना पड़े। यहाँ पर उबला हुआ आलू लेना है और वो एकदम ड्राई होना चाहिए, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 2 टीस्पून सिंघाड़े का आटा लिया है, वो ऐड करेंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। हाथों को थोड़ा ऑयल से ग्रीस करेंगे और इसका आटा तैयार करेंगे। यहाँ पर हम जैसे चपाती का आटा बनाते हैं उससे थोड़ा सॉफ्ट रखना है। परफेक्ट, देखिए ये अच्छे से बाइंड हो चुका है। अब छोटा सा पोर्शन हाथों में लेंगे और अगर आपको लगे कि आपका आटा हाथों पर चिपक रहा है तो हाथ को बीच बीच में तेल से ग्रीस करते रहना है। अब इसको मेदू वड़ा का शेप दे देंगे। यहाँ पर सबसे जरूरी बात, साइड में क्रैक नहीं रहने चाहिए, नहीं तो वहाँ से आपके वड़े फट सकते हैं। देखिए, बीच में इस तरह से होल बना लेंगे। होल थोड़ा बड़ा रखना है क्योंकि फ्राई करते वक्त वो फूलेगा और उसकी वजह से हमारा होल थोड़ा छोटा हो जाएगा। देखिए, इस तरह से दोनों साइड से अच्छी तरह से होल बना लेना है। इसी तरह से बाकी के मेदू वड़ा बना लेंगे। अगर आपके मिक्सचर में ज्यादा मॉइस्चर नहीं होगा तो आपके वड़े का शेप एकदम जैसे मार्केट में मिलते हैं उसी तरह का आएगा और उसको देखकर बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये फराली मेदू वड़ा है। देखिए, हमारे सारे मेदू वड़ा अच्छे से शेप अप हो चुके हैं। अब इसको फ्राई कर लेंगे। इतनी क्वांटिटी में से 11 से 12 मीडियम साइज के मेदू वड़ा तैयार होंगे। यहाँ पर मैंने तेल लिया है, उसको अच्छी तरह से गरम करना है। अब इसमें एक मेदू वड़ा डालेंगे और चेक कर लेंगे। अगर यहाँ पर आपका मेदू वड़ा फट जाए या फिर बिखर जाए तो बाकी के मिक्सर में थोड़ा सा सिंघाड़े का आटा और डालकर उसको फिर से शेप अप करना है। परफेक्ट, अब सारे मेदू वड़ा डाल देंगे। अब 1 से 2 मिनट के लिए इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है और गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे। फ्रेंड्स, मेदू वड़ा डालते वक्त तेल प्रॉपर गर्म नहीं होगा तो आपके मेदू वड़ा फट जाएंगे या तो फिर वो सारा तेल पी जाएंगे, तो इस बात का खास ध्यान रखना है। देखिए, 2 मिनट हो चुके हैं और इसका कलर स्लाइटली ब्राउन जैसा दिख रहा है। अब इसको पलट लेंगे। फ्रेंड्स, मेदू वड़ा डालते वक्त दोनों मेदू वड़ा के बीच में थोड़ा सा गैप रखना है, नहीं तो वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे और पूरा शेप खराब हो जाएगा। इसी तरह से पलट पलट कर सारे मेदू वड़ा को फ्राई कर लेंगे।
इसको फ्राई होते हुए 4 से 5 मिनट हो जाएंगे। और देखिए ये ऊपर फ्लोट करने लगेंगे और इसका कलर भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसका मतलब हमारा मेदू वड़ा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। देखिए देखने में ही एकदम क्रिस्प और टेस्टी लग रहे हैं। इसको देखकर कोई भी बोलेगा कि ये आपने व्रत के लिए बनाए हैं। चलिए अब इसको निकाल लेंगे। हमारा मेदू वड़ा भी तैयार है, चटनी भी रेडी है, तो फटाफट सांभर बना लेंगे। उसके लिए पहले हम फराली सांभर मसाला बनाएंगे। फराली सांभर मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ मसाले लिए हैं। इसमें 1 टेबलस्पून साबुत धनिया है, 6 से 7 कड़ी पत्ते, 10 से 12 साबुत काली मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च और 2 तेज पत्ते। इसको एक कढ़ाई में डालकर भून लेंगे। सिर्फ 2 मिनट हुए हैं और हमारा मसाला अच्छी तरह से भून गया है। अब इसको ठंडा करके क्रश कर लेंगे। सारी सब्जियों को मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था और उसको एक पैन में निकाल लिया था। क्रश करते वक्त मैंने उसमें 1 ग्लास पानी ऐड किया था, तो पानी के हिसाब से हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 2 टीस्पून फराली सांभर मसाला, 1 टीस्पून गुड़ ऐड करेंगे, फ्रेशली चॉप्ड धनिया और 1 टेबलस्पून फ्रेश नारियल। अब इसको मिक्स कर लेंगे। 1 ग्लास पानी और ऐड करेंगे और इसको 3 से 4 मिनट के लिए उबाल लेंगे। यहाँ पर सांभर की थिकनेस आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जब तक हमारा सांभर उबल रहा है हम एक तड़का तैयार कर लेंगे। और तड़का देखने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तड़का बनाने के लिए यहाँ पर एक पैन लिया है। 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून राई, 1 टीस्पून जीरा, ये चटकने लगा है। अब डालेंगे 1 चॉप्ड हरी मिर्च, थोड़े से कड़ी पत्ते और 1 टीस्पून फ्रेश कोकोनट। आपके पास जो भी तेल है वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे साउथ इंडियन में कोकोनट का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। फ्रेशली चॉप्ड धनिया ऐड करेंगे और 1 सूखी लाल मिर्च। अब हमारे तड़के को हम डालेंगे हमारे सांभर के अंदर। माइंड ब्लोइंग फ्रेंड्स, अभी जो खुशबू आ रही है उसे सूंघकर अगर किसी ने व्रत नहीं भी किया होगा तो भी वो ये मेदू वड़ा खुशी खुशी खा लेंगे। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और आधे नींबू का रस ऐड करेंगे, धनिया ऐड करके मिक्स कर लेंगे। सांभर की कंसिस्टेंसी हमें इतनी पोरिंग रखनी है क्योंकि ये थोड़ा ठंडा होगा तो और भी ठीक होगा। इसको हम मेदू वड़ा के साथ खाने वाले हैं तो ज्यादा ठीक नहीं रखना है। हमारे सारे एलिमेंट्स तैयार है तो फटाफट इसको सर्व कर लेंगे। लेकिन सर्व करने से पहले मैं आपको मेदू वड़ा का टेक्सचर बताती हूँ। देखिए एकदम क्रिस्पी बना है और अंदर से एकदम सॉफ्ट और फ्लफी बना है। ये मेदू वड़ा ना बिना सांभर के सिर्फ चटनी के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है, तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना और अपने फीडबैक्स मेरे साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी बी हेल्दी। हैप्पी शिवरात्रि।